अभी चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लगता है इस बार सीएम पीएम के पद पे कौन आएंगे? नरेंद्र मोदी आएंगे, नरेंद्र मोदी जी ही आएंगे। अच्छा, उनको 10 साल हुए, आपको उनके काम अच्छे लगे? अच्छा लगे, वो तो देश के लिए जो कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छे हैं ना। अब कोई पर्सनली हम अगर सोच रहे हैं अपने बारे में तो वो तो डेफिनेटली गलत है। मतलब मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं ना? मोदी जी अच्छा करेंगे, देश के लिए है तो देश के हित में करेंगे ना। हम पर्सनल सोचेंगे तो हमारे लिए अच्छे कर रहे हैं नहीं कर रहे वो महीने नहीं लगते। लोग बोलते हैं कि ये मोदी जी हमें रोजगार नहीं दिलवा रहे हैं, तो पर्सनल हो गया ना मैटर। वो तो देश के प्रधानमंत्री है, देश के लिए कर चलेंगे। अच्छा, महंगाई है ना? महंगाई नहीं है, जरूरत बढ़ती है। जब हमारी जरूरत बढ़ती है तब महंगाई बढ़ती है। बहुत लोग कहते हैं मोदी जी धर्म के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे? धर्म के नाम पे वोट ले रहे हैं ये, वो मोदी जी के सामने पूछोगे तो वो जवाब देंगे क्या? अच्छा, आप मोदी जी के विपक्ष में किसको देखते हैं? विपक्ष पार्टी आपको क्या क्या, कौन कौन लगता है कि आ सकता है? कोई नहीं है, कोई भी नहीं आ सकता, कोई भी नहीं आ सकता। आम आदमी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, वो नहीं। राहुल गांधी जी के बारे में क्या बोलेंगे? नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। उनको कुछ सुझाव देंगे तो अपने अंदर सुधारने की। अच्छा, का समय है तो आपको क्या लगता है इस बार कौन सी सरकार आएगी? देखिए जी, चुनाव का वक्त आ चुका है तो हिंदुस्तान के जो युवा है एक ना नई आस लगा के बैठी है। हिंदुस्तान का जो पढ़ा लिखा युवा है वो चाहता है कि देश में ना कुछ एक मुद्दों की बात करें। पढ़ा लिखा युवा तो हमारा सबका ये थॉट है कि हम मुद्दों पे बात करोगे। जो हिंदुस्तान की जो समस्या जिसे हम जूझ रहे हैं, वो चाहे नशाखोरी लो, तो आतंकवादी लो, महंगाई लो, चाहे बेरोजगारी लो, जो पार्टी इस मुद्दे पे बात करेगी हिंदुस्तान का युवा उनका साथ देगा। अच्छा, अभी मोदी सरकार चल रही है, आपको लगता है मोदी सरकार इस मुद्दों को नज़र में रख के काम कर रही है? देखिए, जहाँ तक मोदी सरकार की अगर हम बात करें तो अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2014 में मोदी जी सत्ता में आए थे, तो मैं कहूँगा विशेषकर मेडिकल के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। यहाँ तक कि जो किसी भी पार्टी के सदस्य है वो हर कोई इसी की तारीफ करता है, लेकिन अगर मोदी जी की सरकार की हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो लोगों के अंदर ना एक ऐसा थॉट आ गया कि नहीं यार चेंज करना है, क्योंकि अगर एक ही सरकार बार बार सत्ता में रहती है तो कहीं ना कहीं ना लगता है कि वो काम ईमानदार से नहीं कर पाते। तो मुझे ऐसे लगता है कि हिंदुस्तान के युवाओं को एक बार फिर से ना सत्ता परिवर्तन चाहिए। ये मैं एक आम आदमी होने के नाते, हिंदुस्तान का एक पढ़ा लिखा नागरिक होने के नाते मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा हिंदुस्तान के तमाम जनता से कि सत्ता परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। यही लोकतंत्र का एक सच्चा स्तंभ है। जी बिल्कुल, हम बदलाव चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो, क्योंकि अगर सत्ता दूसरी आएगी तो कहीं ना कहीं वो ईमानदार से काम करेगी, तो हमारा ये थॉट रहे। मोदी जी के अलावा ऐसे कौन सी पार्टी है जो आ सकती है अभी? देखिए जी, अगर हम बात करें, अगर हिंदुस्तान की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो सेंटर में ना दो पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी, इनका ही हमेशा ना ये बड़ा दबदबा रहा है जहां तक है। तो मुझे ऐसे लगता है कांग्रेस के पास ऑप्शन है लेकिन उनको अलायंस करना पड़ेगा। वो कहते हैं कांग्रेस खत्म हो गई। नहीं, ये सब पता गलत फहमी की शिकार है। अगर आप स्टडी करो ना, अगर हिंदुस्तान की हिस्ट्री की स्टडी करें, हिंदुस्तान 1947 आज़ाद हुआ, उसके बाद इलेक्शन हुए, कांग्रेस ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आप गूगल खोले, अगर आप हिस्ट्री को पढ़े तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है और आने वाले समय में उम्मीद करते कि कांग्रेस बहुत कुछ करेगी, लेकिन मैं यही कहूँगी सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। बीजेपी अगर इस पर आ गई भाई चंद जी, तो क्या लगता है कि अभी जो मुद्दे रह गए हैं वो उस पर काम करेगी बीजेपी? देखिए जी, अगर मैं बीजेपी की बात करूँ, अगर सवाल यह है कि अगर नशाखोरी, आतंकवादी, बेरोजगारी, मेन आज का जो है मुद्दा बेरोजगारी है। हिंदुस्तान का युवा सड़क गली गली सड़कों में घूम रहा है, पूरा हिंदुस्तान का युवा सड़कों में घूम रहा है। हमारे पास डिग्रियां तो है, सब कुछ है, लेकिन प्लेसमेंट नहीं हो रही, बेरोजगारी इतनी हो गई है। अगर मोदी जी, चाहे कोई भी, चाहे राहुल जी है, मोदी जी है, हमें प्रॉब्लम उनसे नहीं है। अगर वो मुद्दे पर बात करते हैं, हिंदुस्तान की जो हमारी समस्या, युवा की जो समस्या, अगर वो उनका समाधान करते हैं तो हमें कोई गुरेज नहीं है मोदी सरकार फिर से रिपीट हो। हाँ, अच्छा, आम आदमी पार्टी के बारे में क्या बोलेंगे? देखिए जी, आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूँ तो अगर आम आदमी की प्रमुख जो अरविंद भैया जी है, अरविंद केजरीवाल जी है, तो ये मैं ये कहूँ कि ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल स्टंट है। जहाँ तक हमने स्टडी किया कि वो जेल के अंदर है, तो कहीं ना कहीं जो एक माहौल क्रिएट किया गया है। जहाँ तक हमें जानकारी हमें मिली है कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया है, दिल्ली के बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे वो बताते कि नहीं, दिल्ली में एजुकेशन जो सिस्टम है पहले डगमगा गया था, आज की डेट में एजुकेशन सिस्टम बढ़ गया है। बच्चे जो गली मोहल्ले में जो बाहर झुग्गियों में रहते थे वो भी स्टडी कर रहे। तो मैं ये कहूँगा कि अरविंद केजरीवाल जी इस वक्त जेल में बंद है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहाँ तक मेरी अपनी समझ, मुझे लगे कि पॉलिटिकल स्टंट है। अभी चुनाव चल रहे हैं, किसकी सरकार आएगी? ऑलवेज बीजेपी। बीजेपी, बीजेपी को सपोर्ट करते हो आप? कब से? मैं जब से पैदा हुआ घर वालों ने सिखाया बीजेपी, तो बीजेपी। अच्छा, बीजेपी का कौन कौन से काम अच्छे लगे आपको? मेरे वो तो सबको ही दिख रहे बीजेपी के काम। अच्छा, उनके विपक्ष में किसको देखते हैं? मैं उनके विपक्ष में तो मतलब कौन सी पार्टी है जो उनको कंपटीशन दे सकती है? झाड़ू दे सकती है। हाँ, पर वो तो जेल में है अभी। कोई बात नहीं, जेल में
आएंगे तो जरूर बाहर बाहर आएंगे तो धूम मचाएंगे केजरीवाल जी। वो तो देखा जाएगा कौन मचाएगा धूम। का समय है, क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? लगता है इंडिया गठबंधन की आएगी। इंडियन गठबंधन की? मोदी नहीं? मोदी नहीं, बहुत झेल लिया देश ने। अच्छा मोदी जी को झेल रहे हैं लोग? हाँ 10 साल से मोदी जी को लोग झेल रहे हैं। हाँ झेल रहे हैं, बहुत काम किया उन्होंने 10 सालों के अंदर। क्या बहुत लोग कहते हैं बहुत काम किया मोदी जी के, यहाँ से विकास हुआ है देश का। कहाँ हुआ? जो काम कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई वो काम मोदी ने 10 साल में कर दिया। कांग्रेस के समय में आईआईटी एम्स ये मोदी ही बनवा दिए क्या 70 साल में? तो बता दीजिए आप भी बता दीजिए लोगों को। वही तो पूछ रहे हैं आपसे, आप क्या बोलेंगे उन लोगों को, जवाब क्या देंगे? यही देंगे कि आईआईटी एम्स किसने बनवाया? कांग्रेस सरकार ने। सुई से लेके हवाई जहाज तक किसने बनवाया? कांग्रेस सरकार ने। बहुत लोग कहते हैं मोदी जी धर्म के नाम पे वोट ले रहे हैं। हाँ ये तो सच है बात, बस सच है। हाँ यूपी में अभी वोट भी लगे हैं, आचार संहिता का उल्लंघन किया गया कि राम के नाम पर वोट दीजिए, किसी न्यूज चैनल में देखा था हमने। और अभी वो नारा लगा रही है अब की बार की, अब की बार 400 पार। तो लोगों का कहना है कि ईवीएम में घपला हो रहा है। अब की बार रहने दो सरकार। अच्छा किसकी पार्टी चाहते हैं आप? अच्छा आपने बताया भिंडी गठबंधन। हाँ। अच्छा वैसे मोदी जी के विपक्ष में किस कौन कौन सी पार्टी को आप देखते हैं? कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को। कांग्रेस को देखते हैं आप? हाँ। लोग कहते हैं कांग्रेस तो खत्म हो गई। कहाँ हो गई खत्म? लोग कहते हैं नहीं, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है। लोग कहते हैं कहाँ हुई खत्म? लोग कहते हैं राहुल गांधी तो पप्पू है। किसने बोला? बहुत लोग कहते हैं उनसे बड़ा पढ़ा लिखा नेता है भारत में कोई? एक भी डिग्री दिखा दे उन बराबर। राहुल गांधी चला लेंगे देश? देश क्या वो हमें लगता पूरा वो चला लेंगे वर्ल्ड। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनके तो एक नेता जेल में पड़े हुए हैं। तो क्या हो गया, सब आ जाएंगे बाहर, जेल से ही सरकार बनाएगा वो। जेल से बनाएंगे केजरीवाल जी? अच्छा केजरीवाल जी के आने के बाद दिल्ली में कितने बदलाव देखने को मिले? अभी आए हैं, देखा तो है विकास, पहली बार आए हैं और लग रहा है कि लग रहा है केजरीवाल ने काम किया है। अच्छा उनको चुनाव से पहले ही जेल में डाला गया, क्या लगता है इसके पीछे कोई साजिश है? साजिश कितनी बड़ी साजिश है? कौन बोला? भैया बोले आइए। अच्छा क्या बोलूँ बताए केजरीवाल जी? हाँ उनके पूरे मतलब वो समझ गए हैं कि सरकार बनने वाली है नहीं हमारी, तो यही हथकंडे अपनाओ। आप चाहते हैं बीजेपी ना आए? बीजेपी बिल्कुल नहीं आए जी। क्यों नहीं? रीजन है बहुत से, बताइए। क्योंकि उन्होंने जो कहा है वो हुआ नहीं है। अच्छा मोदी जी सब कहते हैं कर नहीं रहे, हो ही नहीं रहा। कोई एक आदमी हाथ उठा दे नहीं उठाएगा, क्योंकि कहने से कोई काम नहीं होता, करने से होता है, वो हुआ नहीं है। अच्छा राहुल गांधी जी को बहुत लोग पप्पू कहते हैं काम नहीं, देश नहीं चला सकते राहुल गांधी जी, उनको क्या बोलेंगे? देखो जो जिनकी जैसी सोच होती है वैसी बोली बोल सकते हैं। अगर कोई बुराई होती है उसको आप किसी को पकड़ाओगे, अगर वो पकड़ लेगा तो वो एक्सेप्ट करेगा, अगर कोई नहीं पकड़ेगा तो बुराई उसी के पास रह जाएगी। तो इसी हिसाब से वो जो पप्पू कह रहा है, उसका शब्द उन्होंने तो नहीं लिया अपने ऊपर, जो कह रहा है उसका उसके पास ही रह गया, तो वो खुद पप्पू बन गया जो कह रहा है। लेकिन वो श्रीमान जी बहुत बढ़िया है, और आने वाले टाइम में देख लेना आप पीएम बनेंगे। राहुल गांधी जी बनेंगे पीएम? बिल्कुल। अच्छा कोई शक नहीं है, ये जो 60% और 50% हुआ है ना अभी जो ये वोटिंग, इसमें ये बता रहा हूँ क्लियर कट कि इसका फ़ायदा राहुल गांधी को मिलेगा, मोदी को नहीं मिलेगा। थैंक यू।